मुकुल एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हो गाइस। सो हे गाइस वेलकम। अरे शादी से पहले बच्चा ला के दे रहे आपको क्या? है लड़का लेकिन मैं उसको बेटी की तरह पालूंगी। सो हे गाइस वेलकम। सॉरी गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ मैं नहीं बताऊंगी अभी। बताओ ना दीदी। नहीं, आप लोग को मेरे को सरप्राइज देना है। जैसे मैं खुद को सरप्राइज दे रही हूँ वैसे आप लोग को भी मैं सरप्राइज दूंगी। अभी हम जा रहे हैं रायपुर से भिलाई। क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहो। ओ टाइगर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग। क्या क्या तो गाइज हम जाते हैं अभी और सरप्राइज दिखाएंगे आप लोग को क्या है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितना एक्साइटेड हो बताओ। हमारे गाड़ी में आज सिर्फ 65% चार्ज है, बाकी हम भिलाई जाके आ जाएंगे क्योंकि एक घंटे का रास्ता है। एक घंटा मतलब दो घंटा का है, तो हम आ जाएंगे जाके। तो हम पहुँचने वाले हैं गाइज। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मतलब मेरे से रहा नहीं जा रहा, सबर नहीं हो रहा है कब पहुंचूंगी सोच रहे हैं। और 5 मिनट बचा है, बस 5 मिनट दूर में है। फिर मैं आप लोगों को भी बता दूंगी कि किस लिए हम यहाँ आए हैं। आप लोग भी फुल सोच रहे होंगे कि और स्किप करके आगे मत चले जाना वीडियो देखने, है ना। रुके रहो, थोड़ा ही देर है और पता चल जाएगा। मुकुल एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हो गाइस। पता है कि नहीं किस लिए आए हैं? बिल्कुल, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो तुम सरप्राइज देने वाले हो। ले मैं कोई सरप्राइज नहीं दे रही हूँ। तुम तो मेरे को सरप्राइज बोल के ही लेके आओ। नहीं तुम लाए हो, तुमको पता नहीं है, तुम दे रहे हो मेरे को क्या पता है? ये सरप्राइज, हम सरप्राइज दे रहे हैं। हम लोग गोलू जो भी रहेगा देखभाल तो गोलू को ही करना है। शादी से पहले बच्चा ला के दे रहे आपको क्या? ले तू बता दे, बता दे सब बता दे, बच्चा लाके दे। नहीं तो बता, वो पूरा डायरेक्ट बोल ही देना तू। और ये हम आते वक्त ये देखे, बहुत ही सुंदर है गाइस। क्या है ये? गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारा है, बहुत ही प्यार। आपको ना जितना अच्छा ये फोन में लग रहा होगा ना, उससे भी ज्यादा सुंदर ये सामने से है। ये देखो बहुत सुंदर सा, बहुत कुछ। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम क्यों आए हैं यहाँ पे। कैसा है हमारा खिलौना? ये वाले चाहिए। बड़ा है ना ये? वो बड़ा है लेकिन। हाँ, तो कोई बात नहीं, खेलूंगी। वही वाला एक्टिव लग रहा है दीदी, जो मैं दिखाया, कहाँ गया? ये सबसे ज्यादा एक्टिव है ये, देखो चुट चुट इधर। तो गाइस हम लोग ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हम कौन सा वाला ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग है। तो आप लोग डिसाइड करके बताओ कि कौन सा वाला ले लेंगे। बस मेरे को ये स्मेल नहीं चाहिए, जो ये स्मेल है ना, क्योंकि हमारे पास ये फूड का है दीदी। ये वाला कगड़ा सा खेल रहा है एकदम से। ये सबसे ज्यादा लोग कपड़े खींचते हैं, ये वाला भी खेल रहा है। तो अरे 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 मारपीट करेंगे अब दोनों सारे लड़के। अरे अरे ये बोला ना मारपीट करेंगे। तो कम पालना पड़ेगा इसको, 20 दिन कम पालना पड़ेगा। तो कौन सा पसंद आया? वही मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, सारे अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सबको ले जाए। सबको ले जाए बस। ये सबको मार रहा है, ये बहुत बदमाश है, काला वाला। ये नहीं लेके जाएंगे, पिट जाएगा फिर। ये वाला जो है ये मुकुल के साथ मैच हो रहा है पूरा, लेकिन हमें ब्लैक नहीं चाहिए मुकुल। और सबसे ज्यादा एक्टिव यही है, कार्ड भी रहा है आके। आंखें कहाँ है? क्या दीदी पहचान नहीं आ रहा है क्या, कौन कौन सा है? मैं बुला रही हूँ किसी को, आ कोई और जा रही है, काला वाला आ रहा है। इतना बदमाश है ना, अगर इसको हम लिए तो पूरा घर में चहल पहल तहस। दीदी काटने को आ रही है, मेरा उंगली डाल लिया मुंह में। ये फिल्म मस्ती कर रहे हैं। देखो ये बाल पकड़ लिया मेरा। अगर ये रहा ना दीदी घर में, ये पीटेगा डेली में से। ये इस उम्र में इतना दुष्ट है। तो अभी भैया इसका कंगी कर रहे हैं, उसकी शक्ल देखो भाई यार। ये ऐसे ही बैठे है तब से, जीभ भी नहीं निकाला। निकाला थोड़ा सा तेरा नाम, कुछ नाम नहीं रखे उनके। तेरा नाम क्या? नोबिता।
रखो ना यार भैंस का नाम काजू, मुंह में हाथ घुसा दे रहे फिर भी इसी को लो, ये किसी चाबी का फावड़ा निशान। तो गाइस हमने ये वाला डॉगी लिया है अभी, ये शांत बहुत मुलायम है, छुई मुई है, ये गोलू प्यार जैसा छुई मुई है ये। तो कैसा लग रहा है आपको? मैं समझ सकता हूँ आपका दुख, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। दीदी अभी भी कंफ्यूज है कि कौन सा डॉग लेके जाए। मैं अभी भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि मैं वो छोटे वाले को लूँ या बड़े वाले। तो हमें माँ मिल गई है, हमारे जो पपी है उसकी माँ मिल गई है, दिखा शक्ल। जब से आया है तब से इसको कंघी किए जा रहा है, सजाया जा रहा है, मतलब खूबसूरत बनाया जा रहा है। हम लोग कुछ बोल दो बेबी, कुछ बोलो। जिंदा बच्चों को छोड़ के माँ किसी और को पालने जा रही है अभी। आपको बाउल और ये इसका ये। तो गाइज हम आपके ऊपर छोड़ते हैं इसका नाम, आप बताओ क्या रखना है। हमने एक नेम डिसाइड किया है सुजुका, आपको ये नेम पसंद आया कि नहीं? हाँ, नोबिता नहीं रखूंगी यार, मेरी बेटी है वो, है लड़का लेकिन मैं उसको बेटी की तरह पालूंगी। तो हम आए थे भिलाई ये पपी लेने के लिए, और आपको भी अगर पपी चाहिए तो इनके शॉप आप आ सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। आप बता दो आपके स्टोर का नेम और जगह। सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। अंकुश डॉग केनल भिलाई। हाँ, आपको अगर कोई भी पपी चाहिए तो आप यहाँ आके ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल दूंगी, ठीक है? तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाय बाय दोस्तों। इसको देखो, ये फुल कंफर्टेबल हो गया है, अभी इसको पता चल गया है मैं इसकी माँ हूँ। बेबू बेटू देखो एक बार देख दो। नहीं नहीं, मेरे नाम से TRP नहीं बोल रहे। नहीं 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 गाइज, इसका नेम सजेस्ट करो आप लोग, हमने तो सुजुका रखा है। अब आप बताओ, आपके पास अगर कोई अच्छा नेम है तो। अरे अरे अरे, आपको नहीं जाना है कैमरे के पास, बहुत क्यूट है ना ये। तो गाइज अभी हम इसको लेके निकल चुके हैं रायपुर के लिए, हम भिलाई आए थे लेने के लिए, अभी हम रायपुर जा रहे हैं और फिर इसको हम आज घुमाने लेके जाएंगे। दिखाती हूँ उसको कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, उसको रायपुर दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो कभी भी इसको जरूरत पड़ेगा तो ये अकेले जा पाएगा। तो हम अपने घर आ गए हैं और इसको देखो, सोया है कि नहीं? ये सोने ही नहीं दिया, वो सो रहा था। मैंने इसलिए दे दिया और मैं सो गई थी। वेलकम वेलकम होम वेलकम होम ब्रदर। ठीक है, ठीक लग रहा है घर? सही है, सही है, सब बढ़िया, सही बना है घर। चल तेरे को रूट करा देते हैं घर का। कौन है ये? अपना भाई है, एक तो गोलू भैया मम्मी है तेरे, बेबी बुखलाया हुआ सुजुका, इसका दोस्त की तरह। अरे इसका मुंह का बाल इतना वो कैसे हो गया? पूछना पड़ेगा, चाट रहा था ना ये बार बार, पूछना पड़ेगा। गाइस सुजुका अभी खेल रहा है, और उधर 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 तुम्हारा टॉय उधर है बाबू, उधर इधर आ, इधर इधर आ, अरे हाँ आ जा मेरे पास। हाँ ये बात, इधर क्या नाम है? क्या बोला मतलब? आ जा आ जा, खाओ 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 ना। अरे यार दीदी अच्छे से खा ले, अच्छे से दी थी मैं। अब खा रहा है, अब खा रहा है, जबरदस्ती की। अभी तक नहीं खा रहा था, भाग रहा था उसको देख के ना। गाइस देखो दीदी उदास हो गई, आज ही इसको लेके आया और ये दीदी से बात ही नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो दीदी सैड हो गई, बोल रही है कल इसको फेंक के आऊंगी। दीदी बोल रही है जहाँ से इसको लेके आए हूँ कल इसको फेंक, बात करें ना तो इसको कल ही फेंक। ये डर रहे हैं यार दीदी, अभी फर्स्ट दिन है बेचारा, थोड़ा सा डरा हुआ सा है, और खासकर इस जानवर के कारण और डर रहा है वो, तो बड़ा जानवर है घर में तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है वो। मंजिले चाचा जान आए तेरे, देख बाजू में अपने देखेगा। अरे हम सब मिलके इससे बात करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये है साहब, सिर्फ कोने में जाके बैठ जा रहा है चुप से, सिर्फ मेरे पास आके लेट रहा है लेकिन मेरे साथ भी नहीं खेल रहा है। और गुलशन क्या कह रहा है? गुलशन आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा दीदी मेरा। देखो इनका भाषा तो आता नहीं है, भाव भाव करेंगे ना, इनको समझ आएगा ना हमको। आंखों आंखों से बात करना चाहता हूँ, थोड़ा तो आँख ऐसे करके से देखना पड़ेगा। तो तेरे नाम वाले का आँख नहीं ढूंढ पा रहा हूँ मैं, इधर किधर को पूरा मुंह मेरे हाथों में छुपा रहे हैं।
सडन उधर ना भाई किस दे रहा था दीदी ये कौन है ये कौन है अरे कार लेके आऊंगा ठीक है कार में घुमाएंगे वो बड़ी वाली कार रहती है ना गाइस देखो इधर चल के आ रहा है उसके लिए खिलौना लाया गया है लेकिन वो डर रहा है बेचारा तो ये अभी अभी एक्टिव हुआ है क्योंकि ये इनको इसको हम जहाँ से लाए थे ना वो उसकी बहन के साथ खेलता था वहाँ पे तो उसको याद करके शायद मायूस बैठा था लेकिन अभी अभी वो चालू हुआ है थोड़ा खेलना खाना भी नहीं खाया था ना अभी खाना खा लिया पूरा और अभी खेल भी रहा है अभी थोड़ा